को बजा के मम्मा ने स्पेशल मोड वीडियो खींच लिया हम पे भेज बुरा हाय हाय टैलेंट दिखाओ अपना, अंदर जाओ अंदर ओके सो राइट नाउ जैसे कि आप लोगों ने देखा कुछ बच्चे वहाँ पे नहा रहे थे, तो फिलहाल लाइट अभी कट गई इसीलिए वो जो इंजन था पंपिंग सेट जिससे पानी निकल रहा था वो बंद हो गया, मैं दिखा नहीं पाया उतना। लाइट आती है फिर बाद में दिखा देता हूँ, बड़े फिर चलते हैं देखते हैं। तो राइट ना अभी मैं फ़िलहाल घर में आ चुका हूँ। सो आज पता नहीं क्यों यार रोज़ा बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा आज प्यास लग गई मुझे। कितना बज रहा है? अभी 3 बज रहा है, मुझे आज प्यास लग गई बहुत तेज़, इसलिए मैं घर में थोड़ा आराम करने आया हूँ। वैसे के साथ एक बात और बता दूँ, अभी मुझे फ़िलहाल वो फील हो रहा है तो मैं बता दूँ उसी के साथ रखूँ इसको। तो यार ना मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसा कि मैं वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, मतलब मेरा कुछ होने वाला नहीं है ऐसा लगता है मुझे यूट्यूब पे, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैंने 100 वीडियो क्रॉस कर दिए, हिट कर दिया मैंने 100 वीडियो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमने हिट कर दिया 100 वीडियो, 104 या 105 वीडियोज़ ऐसे कुछ हो गए मेरे। तो अभी भी मुझे वो फील हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि मतलब मैं वीडियोज़ मन नहीं करता ऐसा वीडियोज़ बनाने का, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि 2-4 वीडियोज़ जब हम लोग यूट्यूब खोलते हैं स्क्रॉल करते हैं तो देखते हैं 2-4 वीडियोज़ ब्लॉगर्स लोग का, अदर यूट्यूबर क्रिएटर्स लोग का, तो मतलब वो मोटिवेशन आ जाती है थोड़ी सी, तो मतलब फिर मन करने लगता है बनाने का वीडियोज़। तो ये मत सोचिए कि मैं वीडियोस बनाना छोड़ दूँगा, ऐसा नहीं है, मैं वीडियोस बनाऊँगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा वीडियोस का, लेकिन ऐसा कभी कभी फील होता है कि मतलब वो कभी कभी अंदर से थोड़ा डिमोटिवेट हो जाता है, तो वीडियोस देख के थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लो। तो ये सब बात थी, भी थोड़ा बताना था, तो फिलहाल मैं थोड़ा आराम कर लूँ उसके बाद आपसे मिलते हैं। सो भाई चलो बस बस अदरक खा लो, चाय एक पाव दे दो अदरक। हाँ आज ये बच्चों से पूछते हैं इनको लॉकडाउन में कैसा लग रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या खेल रहे हो? हॉकी? क्या खेल रहे हो? ओए क्या हो रहा है लॉकडाउन में? यही सब हो रहा है। अच्छा तुम्हारा क्या कहना है लॉकडाउन में क्या कर रहे हो? ये देखो यहाँ हमारे खेतों में मिट्टी की पटाई हो रही है। सो ये देखो फिलहाल इधर आम है, मैंगो जिसको बोलते हैं, ये हमारा पेड़ है। इधर एक पेड़ था उधर, बट उधर वाला कट गया है और काफ़ी सारे बच्चे आके तोड़ के खा भी लेते हैं। ये देखो गाइस आम गिरा यहाँ से। तो राइट नाउ इस खेत में पानी चल रहा है, सिंचाई हो रही है, गन्ना है यहाँ पे जिसको शुगर केन बोलते हैं, और उधर है पीछे हमारा खेत, उधर ये भी आपको दिख रहा होगा। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, बहुत तेज़ धूप हो रही है और प्लस रोज़ा हूँ, रोज़े में देखो मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, धूप में अकेले आया हूँ, देख रहे हो कोई नहीं। तो वहाँ पे खेत हमारा जलाया जा रहा है क्योंकि वहाँ जो धान होता है यानी कि चावल, तो उसकी कटाई होने के बाद वहाँ जो कचरा वगैरह निकलता है, डस्ट वगैरह पीछे, तो वो खेतों में रह जाता है, तो उसको जला देते हैं गाँव वगैरह में, तो वही जल रहा है हमारे खेतों में अभी। और यहाँ देखो ये नाली से पानी की सिंचाई हो रही है इधर, तो यही सब सीन चल रहा है गाँव का अभी फ़िलहाल, खेती वगैरह हो रही है। तो बस गाइस इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून और एक लाइक ज़रूर कर देना। धूप में जाके शूट किया हूँ भाई, आपका एक लाइक मुझे बहुत खुशी देगा, एक लाइक कर देना, अच्छा सा कॉमेंट छोड़ देना। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, सब्सक्राइब कर लेना।